हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। आज का अपना फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2020। यानी कि मैं इंटरनेशनल नर्सेस डे 2020 की थीम बतानी है। इसका ऑप्शन ए है ए वाइटल रिसोर्स ऑफ हेल्थ, बी ऑप्शन है केयर इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ऑप्शन सी है अचीविंग द सुटेबल डेवलपमेंट गोल्स, और डी ऑप्शन है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और 2019 की थीम क्या थी, नर्सेस ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट व्हेन ए पेशेंट कम इन द कैजुअल्टी विथ स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन। यानी कि वो पेशेंट है वो कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में आ रहा है और उस पेशेंट को स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन अकर हो रहा है, तो उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा। इसका ऑप्शन ए है कलेक्ट द आर्टिकल फॉर ट्रेकियोस्टोमी, ऑप्शन बी है परफॉर्म ट्रेकियोस्टोमी, ऑप्शन सी है इन्फॉर्म द डॉक्टर, और डी ऑप्शन है प्रोवाइड ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कलेक्ट द आर्टिकल फॉर ट्रेकियोस्टोमी। क्योंकि जो स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन की कंडीशन है वो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में देखने को मिलती है, और स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, हाई पिच विजिंग साउंड, यानी कि विजिंग सुनाई देगी हाई पिच के साथ में, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें जल्दी से जल्दी ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले आर्टिकल को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। और स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन को हम म्यूजिकल वॉइस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से वहां पर हाई पिच विजिंग साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर इन द एयर कप्स विद ट्रेकियोस्टोमी। यानी कि जो कफ ट्रेकियोस्टोमी होती है उसमें एयर कप का प्रेशर बताना है। इसका ऑप्शन ए है 10 mmHg, बी ऑप्शन 30 mmHg, ऑप्शन सी है 40 mmHg, और डी ऑप्शन है 20 mmHg। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो कफ ट्रेकियोस्टोमी होती है उसमें एयर कप का प्रेशर कितना होता है, 20 mmHg। अगर सेंटीमीटर H2 में पूछते जाए तो 25 to 30 cm H2O, और ये प्रेशर मेजर किसके द्वारा किया जाता है, मैनोमीटर के द्वारा। ट्रेकियोस्टोमी टू टाइप की होती है, फर्स्ट है PVC, सेकेंड है मेटल। और PVC ट्रेकियोस्टोमी भी टू टाइप की होती है, कफ्ट एंड नॉन कफ्ट। जो कफ्ट ट्रेकियोस्टोमी है वो मेनली एडल्ट पेशेंट के लिए यूज मिली जाती है, और जो नॉन कफ्ट ट्रेकियोस्टोमी है वो चिल्ड्रेन में यूज मिली जाती है, क्योंकि चिल्ड्रेन का जो एपिग्लोटिस है वो नैरो होता है, और नैरो एपिग्लोटिस होने की वजह से वो कफ की तरह फंक्शन करता है। और जो ट्रेकियोस्टोमी का कफ है वो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन और एयर लीकेज से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द नर्स आफ्टर द ट्रेकियोस्टोमी। यानी ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करने के बाद में तो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वो कौन सी आइडेंटिफाई की जाती है। इसका ऑप्शन ए है डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, बी ऑप्शन है इन्फेक्शन विल अकर, ऑप्शन सी है पेशेंट अनेबल टू स्पीक, और डी ऑप्शन है हाइपोवोलेमिया विल अकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पेशेंट अनेबल टू स्पीक। यानी कि ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म होने के बाद में पेशेंट है वो स्पीक नहीं कर पाता है, इसलिए पेशेंट को कॉल बेल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे या फिर पेपर पेन प्रोवाइड करेंगे जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जा सके और IPR को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन टू वुमेन इन विच पोजिशन। यानी कि वुमेन में कैथेटराइजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको कौन सी पोजिशन प्रोवाइड की जाएगी। इसका ऑप्शन ए है साइडलाइन, बी ऑप्शन है डोर्सल रिक्यूमेट पोजिशन, ऑप्शन सी है फाउलर पोजिशन, और डी ऑप्शन है सुपाइन पोजिशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी डोर्सल रिक्यूमेट पोजिशन। फीमेल में मोस्टली डोर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन प्रोवाइड की जाती है कैथेटराइजेशन के दौरान, और मेल पेशेंट को मेनली सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच वेन वी कैन प्रोवाइड पेरेंटल न्यूट्रिशन। यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सी वेन के थ्रू हम पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। इसका ऑप्शन ए है फ्यूमोरल, बी ऑप्शन है जुगलर, ऑप्शन सी है सबक्लेवियन, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इन सभी वेन के थ्रू हम पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी हैं, फिमोरल, जुगलर और सबक्लेवियन। और सबक्लेवियन वेन मोस्टली यूज में ली जाती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए। पेरेंटल न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन।
पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम ओनली फॉर 7 डे के लिए यूज में ले सकते हैं, और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को ज्यादा समय के लिए यूज में ले सकते हैं। और पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए हम पेरिफेरल वीएन यूज में लेते हैं, और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए सेंट्रल लाइन यूज में लेते हैं। और पेरेंटल न्यूट्रिशन की जो फ्लो रेट है वो डॉक्टर के ऑर्डर पे डिपेंड करती है, बट मेनली फर्स्ट 24 आवर के लिए हम 40 ml पर आवर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में 24 to 48 आवर के लिए 80 ml पर आवर प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद में 3 to 5 डे के लिए 120 ml पर आवर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में डॉक्टर ऑर्डर या फिर इसे ज्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी डेटा होते हैं उनमें माइन्यूट चेंजमेंट देखने को मिल सकता है अलग अलग बुक्स में, बट जो आंसर है क्वेश्चन का वो इनके नियर बाई मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लूड कैन ट्रांसफर व्हेन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आर नॉट अवेलेबल ऑन द मेडिकल स्टोर, यानी कि मेडिकल स्टोर पर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में कौन सा फ्लूड हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए है नॉर्मल सेलाइन, बी ऑप्शन है डेक्सट्रो 10%, ऑप्शन सी है रिंगल लैक्टेट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी डेक्सट्रो 10%। अगर मेडिकल स्टोर पर इमरजेंसी सिचुएशन में जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है तो उस पेशेंट को हम 10% डेक्सट्रोज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी ट्यूब बैंडेज मेनली यूज इन विच कंडीशन, यानी कि टी ट्यूब बैंडेज मेनली किस कंडीशन में यूज में ली जाती है। इसका ऑप्शन ए है नेजल सर्जरी, बी ऑप्शन है फीमर फ्रैक्चर, ऑप्शन सी है स्कल फ्रैक्चर, और डी ऑप्शन है हेमरेडेक्टोमी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हेमरेडेक्टोमी। हेमरेडेक्टोमी कंडीशन में मेनली टी ट्यूब बैंडेज है वो यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बैंडेजिंग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंडेज इज कॉमनली यूज इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे मोस्ट कॉमन जो बैंडेजिंग है वो कौन सी यूज में ली जाती है। इसका ऑप्शन ए है इलास्टिक बैंडेज, बी ऑप्शन है कंप्रेशन बैंडेज, ऑप्शन सी है केपलाइन, और डी ऑप्शन है स्पायरल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी स्पायरल। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमनली स्पायरल बैंडेज टेक्निक यूज में ली जाती है। स्पायरल बैंडेज टेक्निक में जो प्रीवियस लेयर होती है बैंडेजिंग की उसको ही एनसर्कलाइज करते हुए बैंडेजिंग करते हैं, और ये सबसे मोस्ट कॉमन यूज में ली जाने वाली बैंडेजिंग टेक्निक है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। नेक्स्ट एंड इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सीएसएफ, यानी कि हमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड की पीएच बतानी है। इसका ऑप्शन ए है 7, बी ऑप्शन है 8.2, ऑप्शन सी है 7.1, और डी ऑप्शन है 7.32। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 7.32, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन। जो पीएच है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड की वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, और कितनी होती है, लगभग 7.32 के इक्वल। बट जो सीएसएफ की पीएच है वो वेरी कर सकती है 7.32 टू 7.52 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर वेयर स्टोर द सीएसएफ आफ्टर कलेक्शन, यानी कि सीएसएफ का टेम्परेचर कितना होगा आफ्टर कलेक्शन के बाद में। इसका ऑप्शन ए है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। सीएसएफ को जस्ट आफ्टर कलेक्शन के बाद में 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर कलेक्ट किया जाता है, और आफ्टर कलेक्शन विथ इन 1 to 2 आवर में लेबोरेटरी में ट्रांसफर किया जाता है, और अगर 2 आवर से ज़्यादा डिले हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में तो सीएसएफ को स्टोर करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर सीएसएफ के लिए अगर कोई स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तो सीएसएफ को -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर कर सकते हैं 12 to 24 आवर तक। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई भी कंडीशन न देखे कि सीएसएफ को कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं, तो आंसर होगा 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ सैंपल इज नीडेड इन द लंबर पंचर प्रोसीजर, यानी कि लंबर पंचर प्रोसीजर करने के दौरान कितनी अमाउंट में सैंपल की रिक्वायरमेंट रहती है। इसका ऑप्शन ए है 2 ml, बी ऑप्शन है 6 to 10 ml, ऑप्शन सी है 1 ml, और डी ऑप्शन है 15 to 20 ml। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 6 to 10 ml। 6 to 10 ml सैंपल की नीड रहती है लंबर पंचर प्रोसीजर के दौरान। और एक इंपॉर्टेंट नोट है ये भी आपको ध्यान में रखना है, मेनली 3 vial यूज में लेते हैं सैंपल कलेक्शन के लिए सीएसएफ का। फर्स्ट वायल के थ्रू तो बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करते हैं, सेकेंड वायल के थ्रू वायरल एग्जामिनेशन करते हैं, और थर्ड वायल के थ्रू साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि सेल की स्टडी करते हैं, और ईच वायल में 2 to 3 ml सीएसएफ कलेक्ट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट विल यूज फॉर मेजर द प्रेशर ऑफ सीएसएफ, यानी कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूड का प्रेशर मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज लिया जाता है? इसका ऑप्शन ए है गोनियोमीटर, बी ऑप्शन है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है इन्फेंटोमीटर और डी ऑप्शन है स्टेडियोमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मैनोमीटर। मैनोमीटर यूज में लिया जाता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूड का प्रेशर मेजर करने के लिए, और नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर कितना होता है? 5 to 15 mm of Hg। बट आपको कुछ बुक्स में सीएसएफ का प्रेशर 8 to 15 mm of Hg भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में माइन्यूट वेरिएशन देखने को मिलता है डेटाज में। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग नहीं होगा अगर आप 5 to 15 mm of Hg भी याद रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, यानी कि हमें एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताना है। इसका ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी फेलियर, बी ऑप्शन है लीवर फेलियर, ऑप्शन सी है किडनी फेलियर और डी ऑप्शन है पेरिटोनाइटिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पेरिटोनाइटिस, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लामेशन होना। एब्डोमेन की कोई भी सर्जरी हो, उन सभी सर्जरीज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट पोजिशन टू परफॉर्म एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, यानी कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट पोजिशन कौन सी रहती है? इसका ऑप्शन ए है साइडलाइन पोजिशन, बी ऑप्शन है फाउलर पोजिशन, ऑप्शन सी है सेमी फाउलर पोजिशन और डी ऑप्शन है रोथ पोजिशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फाउलर पोजिशन। फाउलर पोजिशन सबसे बेस्ट रहती है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस को परफॉर्म करने के लिए, और सेकेंड प्रायोरिटी किसको देंगे? सेमी फाउलर पोजिशन को। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेक्सट्रोज इन द ब्लड टू स्टोर द ब्लड इन ब्लड बैंक, यानी कि ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करना है तो डेक्सट्रोज की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? इसका ऑप्शन ए है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्लड सेल्स, बी ऑप्शन है प्रोवाइड लाइफ स्पैन टू द ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी है यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव और डी ऑप्शन है यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्लड सेल्स। जो ब्लड के अंदर डेक्सट्रोज होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है? वो ब्लड सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मेनली 4 टाइप के प्रिजर्वेटिव यूज में लिए जाते हैं ब्लड बैंक में, जिसमें फर्स्ट है सीपीडी यानी कि सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, और सेकंड है एसीडी यानी कि एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, और थर्ड है डेक्सट्रोज सेलाइन एडिनिन, और फोर्थ है सीपीडीए। ये सबसे मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है, यानी कि जो ये 4 है इनमें से भी सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा यूज में लिया जाता है? सीपीडीए, और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। अगर पेशेंट को 1 यूनिट ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस 1 यूनिट में 300 ml तो ब्लड की अमाउंट रहेगी, प्लस उसमें 50 ml प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल हीमेटोक्रिट वैल्यू इन द फीमेल, यानी कि फीमेल्स में नॉर्मल हीमेटोक्रिट वैल्यू कितनी होती है? इसका ऑप्शन ए है 20%, बी ऑप्शन है 55 to 60%, ऑप्शन सी है 35 to 47% और डी ऑप्शन है 30%। तो फीमेल्स में जो हीमेटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 35 to 47%। अगर मेल की बात की जाए तो मेल में हीमेटोक्रिट वैल्यू कितनी होती है? 42 to 52%। बट अगर एवरेज हीमेटोक्रिट वैल्यू की बात की जाए तो वो कितनी होती है? 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीमेटोक्रिट विल डिक्रीज देन पेशेंट नीड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, यानी कि हीमेटोक्रिट वैल्यू कितने से डिक्रीज होने पर आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की नीड रहती है? इसका ऑप्शन ए है 50%, बी ऑप्शन है 45%, ऑप्शन सी है 40% और डी ऑप्शन है 30%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 30%। 30% से लेस होने पर पेशेंट को आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की नीड रहती है, और जो नॉर्मल हीमेटोक्रिट वैल्यू है वो 2 to 3% इंक्रीज होती है 1 यूनिट आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेयर प्लेटलेट स्टोर इन द ब्लड बैंक, यानी कि ब्लड बैंक में प्लेटलेट को स्टोर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज में लिया जाता है? इसका ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटर, बी ऑप्शन है इंक्यूबेटर, ऑप्शन सी है एजिटेटर और डी ऑप्शन है रेडिएंट वार्मर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एजिटेटर। एजिटेटर का यूज किया जाता है ब्लड बैंक में प्लेटलेट को स्टोर करने के लिए, और प्लेटलेट्स को 8 to 11 डे तक स्टोर कर सकते हैं, और स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 2 to 24 degrees centigrade, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज
यानी कि रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड की वजह से जो ब्लड के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव जो सिट्रेट यूज में लिया जाता है उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है। उसका ऑप्शन ए है हाइपरकैलीमिया, बी ऑप्शन है हाइपोकैलीमिया, ऑप्शन सी है हाइपोकैल्सीमिया और डी ऑप्शन है हाइपरकैल्सीमिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया कॉज हो सकता है सिट्रेट की वजह से अगर हम रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि सिट्रेट पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैल्शियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में टिटेनी लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग हाइपोकैल्सीमिया का मैनेजमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो हाइपोकैल्सीमिया का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले जो इन्फ्यूजन की रेट है उसको स्लो करेंगे और इन्फ्यूजन की रेट को स्लो करने के बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद में डॉक्टर है वो ऑर्डर करेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट का। और कैल्शियम ग्लूकोनेट की डोज क्या रहेगी, 100 ml ब्लड में हम 10 ml नॉर्मल सेलाइन के साथ में 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट को मिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट साइज ऑफ कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अडल्ट्स, यानी कि अडल्ट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे बेस्ट साइज कौन सी रहती है कैनुला की। इसका ऑप्शन ए है 12 गोज, बी ऑप्शन है 14 गोज, ऑप्शन सी है 20 गोज और डी ऑप्शन है 18 गोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 18 गोज। 18 गोज का कैनुला सबसे बेस्ट रहता है अडल्ट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और इसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन। मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 16 to 24 गोज के कैनुला यूज में लिए जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। अगर अडल्ट पेशेंट में मेस्यू या फिर स्पीड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसके लिए 14 या फिर 16 गोज का कैनुला यूज में लिया जा सकता है। बट अडल्ट्स में सबसे बेस्ट साइज कौन सी रहती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो इसका आंसर होगा 18 गोज। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कमेंट करके। तो क्वेश्चन है 1 ounce इज इक्वल टू, यानी कि 1 ounce इन ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा। तो ए ऑप्शन है 7 teaspoon, बी ऑप्शन है 4 teaspoon, ऑप्शन सी है 5 teaspoon और डी ऑप्शन है 6 teaspoon। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।